नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 ठग गिरफ्तार। हमीरपुर जनपद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे में 80,000 रुपए की नकदी व फर्जी नियुक्ति पत्र मोहर सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 करोड़ से अधिक ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अभियुक्तों के कब्जे में 1 चार पहिया वाहन, 80,000 रुपए की नकदी, 4 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, मोहर, चेकबुक, बुक पासबुक, बैंक पासबुक, 7 ATM कार्ड सहित तमाम फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। SP शुभम पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अंकित त्रिपाठी निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर जनपद हरदोई, सूरज कुमार निवासी ग्राम हरथला जनपद मुरादाबाद व इंतजार खान निवासी ग्राम मधिया जनपद चंदौली को साइबर क्राइम एवं मौदहा पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को SP ने 10,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। हमीरपुर पुलिस द्वारा विगत पिछले कुछ दिनों से एक प्रकरण की जांच की जा रही थी, जिसमें वादी द्वारा मुकदमा संख्या 356/22 थाना मौदा में दर्ज कराया गया था। वादी के साथ 3 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था। उक्त जांच के क्रम में जनपदीय साइबर सेल ने और थाना पुलिस ने मिलकर जांच की, तो इस जांच में ये चीज़ प्रकाश में आई कि एक अभियुक्त इंतजार खान, उसके द्वारा इन व्यक्तियों से फ्रॉड किया गया। साथ ही उससे पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि उसने एक संगठित गिरोह बनाकर, जिसमें उसके अलावा अन्य 5 लोग भी शामिल थे, विगत 3 से 4 वर्षों में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का साइबर फ्रॉड किया है, जिसमें इन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया है। ये लोग लोगों को सरकारी नौकरी देने के नाम पे उनके लिए फ़र्ज़ी ज्वाइनिंग लेटर इशू करते थे, फ़र्ज़ी एडमिट कार्ड इशू करते थे और साथ ही उनसे जो पैसा लेते थे उस पैसे को ये लोग अपनी अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए यूज़ करते थे और अपने ऐशो आराम में उसको यूज़ करते थे। तो इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको आज पुलिस ने अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत हेतु भेजा है और इनके जो भी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही इनकी जो भी अवैध संपत्ति इन्होंने बनाई है उसको कुर्क करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या नाम दिया जा रहा है? गिरफ्तार करने वाली टीम को जनपद की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है और साथ ही मुख्यालय की तरफ से भी इनको शीघ्र ही इनाम घोषित किया जाएगा। इनके पास से एक SUV गाड़ी, नगद पैसे, 4 लैपटॉप, 13 मोबाइल फ़ोन्स, कई 100 इनके पास से फर्जी जो कागजात हैं, कई स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा आधार कार्ड, पैन कार्ड विभिन्न लोगों के बरामद हुए हैं और साथ ही इनके लैपटॉप में विभिन्न प्रकार के फर्जी लेटर पैड और तैयार करने के फॉर्मेट, ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग इस तरह से अवैध तरीके से दस्तावेज कूट रचित दस्तावेजों के दम पर ये पैसे बना रहे थे और एक गिरोह के रूप में लोगों को ठग रहे थे। हमीरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।